सब्सक्राइब करें विनोद की रसोई चैनल को, बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास फौरन पहुंच जाए। नमस्कार, विनोद की रसोई में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाने जा रहे हैं अमरूद की चटनी, जो खाने में बहुत बढ़िया लगती है। और इसे आप बना के आप इसको 3 से 4 दिन फ्रिज में रख के इसको स्टोर भी कर सकते हैं, और ये खाने में बहुत ही बढ़िया होती है। आइए देख लेते हैं इसकी बनाने की विधि और इसकी सामग्री। हमने करीब 250 ग्राम अमरूद लिए हैं। अमरूद हमने गद्दार मतलब ये टाइट अमरूद लिए हैं, और इसमें हरा धनिया डालेंगे करीब हमारा ये 1 गुच्छी है, और नमक स्वाद अनुसार इसमें हम आधा चम्मच डाल रहे हैं, और लहसुन करीब 6 से 7 कलियाँ, भुना हुआ जीरा आधा चम्मच, और 3 से 4 हरी मिर्च। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबसे पहले अमरूद को हम धो के काटेंगे। इस तरह काट लेंगे और इसका हम बीजा निकाल देंगे। इसका बीजा में नहीं रखना है, बीजा में बिल्कुल इसका निकाल लेंगे इस तरह। और इस तरह इसका तो इस तरह सारे अमरूद काट लेंगे। इस तरह हमने सारे अमरूद काट लिए और इनके हमने बीज से बीजे सारे निकाल दिए। अगर कुछ 1-2-4 रह भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये मिक्सी में हम कायदे से महीन से पीस लेंगे। और इसमें कैल्शियम और विटामिन बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब इसमें उसको एक जार में सारे अमरूद डाल देंगे, और इसमें हम हरी मिर्च, नमक, हरा धनिया और लहसुन, लहसुन के 6-7 कलियाँ डालेंगे, और भुना हुआ जीरा, और इनको हम हल्का सा पानी डाल के पहले हम पीसेंगे। पानी इसमें 3 से 4 चम्मच हम छोटे वाले वो डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसको महीन महीन पेस्ट हम बना देंगे इसका। इसको हमने मिक्सी में इसको पीस लिया है और इसका महीन सा पेस्ट बन गया है इस तरह। अमरूद की खट्टी मिट्टी चटनी बनकर तैयार है। आप इसमें चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं थोड़ा खट्टापन लाने के लिए। तो इसमें आधा चम्मच करीब हम नींबू का रस डालना है, और इसको एक बार हम फिर मिक्स कर लेंगे। आप जितना खट्टा खाना चाहें इसे, और ये खट्टी मिट्टी सी चटनी बन जाएगी। हमने इसमें आधा नींबू डाला है, और इसको एक बार हम मिक्सी पर चला लेंगे। और इसको एक बार हमने फिर मिक्सी में चला लिया, और ये हमारी खट्टी मीठी सी अमरूद की चटनी बनके तैयार है। अब इसको हम निकाल लेंगे। लीजिए तैयार है अमरूद की खट्टी मीठी सी चटनी। आप इसे बनाएं, खिलाएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।